हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डीसी जनरेटर की। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये नाम है डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनित्र, डीसी जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं जनित्र। ठीक है, ज़्यादा हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा इंग्लिश सीखने की। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा किताबों में, और जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो जनरेटर करके हिंदी में भी लिख देगा, तब क्या करोगे? तो आपको जनरेटर समझना है। ठीक है, जनित्र जनित्र भी ध्यान रखना है, बट इंग्लिश वर्ड ज़्यादा ध्यान रखना है टेक्निकल में। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, दो चीज़ें यहाँ पे मिली हैं आपको, एक तो डीसी और दूसरा जनरेटर। ठीक है, दो चीज़ें आपको दिखने को मिली यहाँ पे, एक तो डीसी लिखा है और दूसरा जनरेटर। तो डीसी का क्या मतलब होता है? डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और जनरेटर का मतलब होता है जो जनरेट करे। ठीक है, और क्या जनरेट करे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जनरेटर क्या करता है? जनरेटर यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्या करता है, तो ध्यान से समझिएगा, इधर इधर देखिए बिल्कुल। ठीक है, ये क्या है? इनपुट होता है, कोई भी मशीन में इनपुट होता है और दूसरा आउटपुट होता है। तो जो इनपुट होता है जनरेटर का, वो क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है। कैसी एनर्जी होता है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मींस यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, कैसी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। अब बात करते हैं जो जनरेटर हमें देता है, वो क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। क्या देता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। इसको हिंदी में क्या बात करते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। अच्छा, बहुत प्यारी सी चीज़ है जनरेटर। अभी बहुत सारे पार्ट हैं इसके, वो इम्पॉर्टेंट हैं। उन पार्ट्स वो पार्ट्स किस किस चीज़ से बने होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। जनरेटर का प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है। जनरेटर किस किस चीज़ पे काम करता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये चीज़ तो इनपुट आउटपुट आपको ध्यान में रखना ही है। और ये क्या है? डायरेक्ट करेंट। अब हम बात करते हैं पहले तो डायरेक्ट करंट क्या होती है, जनरेटर दूसरी बात हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या डायरेक्ट करंट। तो डीसी जनरेटर शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब समझ में आना चाहिए और जनरेटर का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। फिर दोनों को हम कंबाइन करके समझेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है। तो डीसी समझने के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी, एक तो एसी और दूसरा डीसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीसी की, और इधर यहीं साथ में मैं एसी भी समझाते चलूंगा, इससे आपका इसी के साथ में एसी भी आपको क्लियर हो जाएगा। जो डीसी होता है बच्चा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 0 हर्ट्ज होती है। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, ये चीज नहीं होती है। जबकि जो एसी होती है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी होती है? इंडिया में 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, फ्रीक्वेंसी इसमें होती नहीं है और इसमें होती है। डीसी को आप स्टोर नहीं कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, स्टोर कर सकते हो। इसको एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात भी, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो तो बैटरी। ठीक है, या फिर सेल, ये आपके क्या है? डीसी है। ठीक है, मोबाइल में भी जो बैटरी लगी होती है वो भी क्या, मतलब बैटरी क्या है? जो चीज स्टोर कर सके विद्युत को, वो क्या है? वो समझ लेना डीसी स्टोरेज है। ठीक है, वो डीसी ही केवल स्टोर की जा सकती है, एसी स्टोर नहीं की जा सकती है। एसी की जो साइकिल होती है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इसमें वोल्टेज या फिर करंट की मैं बात करूं तो अल्टरनेटिंग, एसी का मतलब हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का मतलब क्या हो जाता है? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? अल्टरनेट मतलब एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और इसमें जो करंट या वोल्टेज की वैल्यू होती है लगातार वैरी करती रहती है, दिशा बदलती रहती है, और ये बहुत फास्ट ही मूवमेंट होता है। लगभग 1 सेकंड में 50 साइकिल ये कंप्लीट करती है, और एक साइकिल मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर ऐसे दूसरी साइकिल, फिर ऐसे 1 सेकंड में 50 साइकिल ये कंप्लीट करती है लगभग। ठीक है, दूसरी चीज, जो डायरेक्ट करंट होता है इसमें फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, और इसमें सीधा क्या होती है? करंट डायरेक्ट होती है। मतलब ये अगर करंट लिख लूँ और इधर मैं समय लिख लूँ, तो समय और करंट के साथ में जो करंट होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वही रहती है। जबकि यहाँ पे मैंने करंट और समय लिखा था,
तो समय के साथ में करंट की वैल्यू बदल रही थी, दिशा भी बदल रही थी उसकी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, स्थिर रहेगी, ये बार बार बदलेगी नहीं, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो करंट है वो उसकी दिशा और उसका परिमाण दोनों ही, परिमाण मतलब उसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, ठीक है, ये बात आपको दो तीन पॉइंट आपको बदलती रहती है, ठीक है, ये दो तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज क्या है, जो हमारे इंडिया में जो सप्लाई आ रही है वो एसी आ रही है, ठीक है, सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों ही आपको मिलती है। घरों में जो यूज करते हो वो सिंगल फेज होती है, ठीक है, जबकि जो आप मशीनों पे या फिर कंपनियों में यूज करते हो वहाँ पे थ्री फेज मोटर वगैरह चलानी रहती है, तो थ्री फेज सप्लाई वो लोग लेते हैं, ठीक है। तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कस ना करके, हमें समझना था डीसी, और डीसी आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ समझ लेना कि जैसे जो डीसी होता है और एसी, इनके बीच में थोड़ा सा एक रिलेशन बना के मैं समझा देता हूँ। जो घरों में इन्वर्टर वगैरह आप यूज़ करते हो, तो डीसी से एसी और एसी से डीसी में बदलने के लिए क्या क्या डिवाइसेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको मिल रही है एसी और आपको चाहिए डीसी, तो इसका मतलब ये है कि एसी से आपको डीसी चाहिए ना भाई, यही तो चाहिए। तो एक इंस्ट्रूमेंट बीच में लगा दो, नाम है क्या, रेक्टिफायर, नाम क्या है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या काम करेगा, यह एसी से डीसी में सीधा बदल के दे देगा। मतलब अगर आप इसको ऐसे वेव फॉर्म दे दोगे तो ये आपको ऐसे करके करंट दे देगा, ठीक है, करंट अगर ऐसे दिया टाइम के साथ में तो बिल्कुल बदल देगा ऐसे करके, ठीक है। इसको नाम क्या दिया जाता है, रेक्टिफायर। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि उस डिवाइस का क्या नाम है जो एसी से डीसी में बदलता है, उसका नाम बच्चों क्या है, रेक्टिफायर है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको डीसी मिल रही है लेकिन आपको चाहिए क्या, एसी चाहिए, चाहिए क्या, एसी चाहिए, तब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा दोगे, क्या लगा दोगे, इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, डीसी से एसी में बदलती है। तो दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, रेक्टिफायर और इन्वर्टर, ठीक है, इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हमारे घरों में लगाया जाता है। नाम देते हो आप सिर्फ इन्वर्टर का, जबकि वहां पे दो चीज़ें होती हैं, एक इन्वर्टर और दूसरा रेक्टिफायर। कैसे समझते हैं इसको, देखो, जो आप घरों में लाइट के लिए यूज करते हो कि जब बिजली चली जाए तब आपके घर में रोशनी रहे, उसके लिए आप एक बैटरी ले आते हो और कहते हो इन्वर्टर लगाया हमने। इन्वर्टर क्या होता है, लाइट जाते ही अपना काम चालू कर देता है, ऑटोमेटिक होता है अगर वो तब, ठीक है। तो इन्वर्टर क्या काम करता है, देखो ध्यान से समझना, जो आपके आपको मिली बाहर से जो बिजली कंपनी ने सप्लाई किया आपके घर में, वो किया क्या, एसी आता है, एसी आपके घर में आया, लेकिन एसी स्टोर कर नहीं सकते हो, और स्टोरेज के लिए आपके पास क्या है, बैटरी है, और बैटरी क्या काम करती है, डीसी को स्टोर करती है। तो इसका मतलब जो एसी आई उसको आपको डीसी बनाना है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर लगाया तो ये क्या दे दिया, डीसी दे दिया, और डीसी फिर इस बैटरी को दे दोगे तो बैटरी क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी। लेकिन आप बताओ, जो आपके घरों में पंखे कूलर या फिर जो चीज जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी किस पे काम करती हैं, एसी पे चलती हैं। जब वो एसी पे चलती हैं तो उनको चाहिए क्या, एसी चाहिए। अब एसी करने के लिए इस डीसी को क्या करोगे आप, फिर से एक इंस्ट्रूमेंट, जब लाइट चली जाएगी तो ये वाला ऑन हो जाएगा, इसका नाम क्या होता है, इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर ऑन कर देंगे, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, तो ये डीसी लेगा बैटरी से और एसी में बदल के आपको दे देगा, और आप फिर बाकी काम कर सकते हो। तो यही था कॉन्सेप्ट जो आपके घरों में इन्वर्टर लगाया जाता है। तो ये दो तीन चीज़ें आप समझना, रेक्टिफायर, बैटरी, इन्वर्टर क्या है, कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब हम चले चलते हैं जनरेटर पे, ठीक है। अब जनरेटर समझने के लिए विद्युत बनती कैसे है, अगर ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो समझते हैं। अब जनरेशन आपका किस कई तरीके से होता है, ठीक है, स्टीम टरबाइन भी होती है और हाइड्रो टरबाइन भी होती है, पेल्टन, फ्रांसिस और कैपलॉन, काफ़ी टरबाइन होती हैं, वहाँ पे आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर हम पानी से भी बिजली बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना पानी से बिजली, फिर कहते हैं कोयले से भी बिजली, ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं बहुत सारी चीज़ें न्यूक्लियर से भी, ठीक है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर क्या है, यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235 न्यूक्लियर से भी बनाते हो आप बिजली, ठीक है, और भी किससे बनाते हो, और आप विंड से बनाते हो, ठीक है, मतलब हवा से, जिसको आप पवन चक्की बोलते हो, पवन चक्की से भी बिजली बना लेते हो आप, ठीक है, सोलर से भी बिजली बनाते हो,
तो एक एक चीज समझते हैं। एक चीज अगर आपको इन सब में समझ में आ गई तो बिजली बनती कैसे है, तो फिर कोई भी चीज से ले आओ बिजली आराम से बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको कि मान लो ये पानी लिखा है ना, चलो पानी से बिजली बनाना आपको बताता हूँ मैं। तो मान लो ये नदी जा रही थी, ये क्या है, नदी, ठीक है। अब नदी में क्या बहता है भैया, पानी बहता होगा ना, ठीक है। नदी में क्या बहता है, पानी बहता है, और कुछ तो नहीं बहता ना, ठीक है। ये पानी है, आपने क्या कर लिया, ऐसे बांध बना लिया, क्या बना लिया, बांध बना के पानी को रोक लिया। अब जब पानी इकट्ठा हो गया तो यहाँ ढेर सारा पानी हो गया आपका, ठीक है। तो जब इकट्ठा हो गया पानी तो ऊपर से हमने होल करके, यहाँ से पेन स्ट्रोक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेन स्ट्रोक बोलते हैं। पेन स्ट्रोक मतलब वो नाली जिससे पानी प्रेशर के साथ में आता है, यहाँ पे ये सीढ़ियाँ टाइप में बनी होती हैं। तो जब हम यहाँ से खोलेंगे तो ये सीढ़ियों से पानी टकरा के वैसे ही इतना प्रेशर बना है पीछे से, लेकिन सीढ़ियाँ बना दोगे तो ऐसे ही देखो, अगर छत से आप सीढ़ियों पे पानी फेंकते हो तो एक के बाद एक, एक के बाद एक नीचे पानी आते आते बहुत स्पीड बन जाती है उसकी, ठीक है। तो ऐसे जो पानी आता है यहाँ पे वो बहुत स्पीड होती है, ठीक है, उस पानी में, ठीक है। तो ये पानी क्या होता है, यहाँ पे एक टरबाइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टरबाइन। और टरबाइन में क्या लगी होती हैं, ब्लेड्स लगी होती हैं, ऐसे पंखे टाइप में, पंखुड़ी, ठीक है। तो इन पंखुड़ी पे जैसे ही पानी गिरा ये टरबाइन क्या करेगी, मूव करेगी, मूव करेगी, और इसी टरबाइन से एक शाफ्ट कनेक्टेड होगी, शाफ्ट समझते हो, ठीक है भैया, मोटी सी रॉड टाइप में ना इसी टरबाइन के साथ में अटैच रहेगी। तो जब ये पंखुड़ी घूमेगी तो ये शाफ्ट भी घूमेगी, बताओ, हाँ है ना, शाफ्ट घूमेगी कि नहीं घूमेगी, ठीक है, घूमेगी, ठीक है। और इसी शाफ्ट से हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, जनरेटर, क्या कर देते हैं, जनरेटर। अब बताओ काम हो गया आपका, ठीक है। जनरेटर जैसे ही कनेक्ट किया तो जनरेटर क्या इधर से चालू कर देगा, बिजली बनाने लगेगा, ठीक है, क्या देने लगेगा, सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई देने लगेगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो है क्या चीज ये, ठीक है। तो एक कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, वो भी आपको यहीं पे समझना पड़ेगा। तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है ये फिजिक्स का टॉपिक है, और जो आपकी आईटीआई का जो ट्रेड है आपका, जो इलेक्ट्रिशियन है, ये भी फिजिक्स ही है, समझ लो, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है ये कहता है बच्चा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो उसे, ठीक है। मीन्स ऊर्जा को आप जनरेट नहीं कर सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, उसको एक रूप से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हमेशा लागू होता है। और ये भी बताया था कि पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो कॉन्स्टेंट है, वो इस मतलब फिक्स है, ऊर्जा आप उत्पन्न नहीं कर सकते हो, जितनी भी ऊर्जा है वही उतनी है, ठीक है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, बस इतना ही है। और जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो आपकी विद्युत है, वो भी एक तरीके की ऊर्जा ही है। तो किसी दूसरी ऊर्जा से ये ऊर्जा बनाई गई होगी, ठीक है, उसी ऊर्जा को खत्म करके ये ऊर्जा बनी होगी, ठीक है, क्योंकि वो खत्म हो ही नहीं सकती, वो उसका रूप इस रूप में बदल गया है, बस यही है ना। अब इससे जब आप पंखा चला लेते हो या बाकी काम कर लेते हो तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं होती है, वो फिर दूसरे रूप में चली जाती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, आप लाइन लिख लेना, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, सिर्फ इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए वही नियम हर जगह फॉलो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताओ, ठीक है, होना चाहिए ना, ठीक है, हर जगह ही लागू होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कहीं पे लागू होना चाहिए कहीं कहीं पे नहीं, हर एक जगह लागू होना चाहिए। तो जरा आप बताओ, ये जो पानी जा रहा था, ये जो पानी आपने इकट्ठा किया, ये पानी रुका हुआ है, बताओ, हाँ है ना, पानी रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है, तो इसमें जो चीज रुकी हुई रहती है और ऊंचाई पे रहती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप बताओगे सर, स्थितिज ऊर्जा, कैसी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा रहती है। तो इस पानी में कैसी ऊर्जा है बच्चा, स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा इसलिए है क्योंकि पानी इकट्ठा है, रुका हुआ है, भाग नहीं रहा है। लेकिन यहां से जैसे ही पानी आपने खोला, यहां से ये कपाट उठाया, ये गेट खुल गया, तो यहां से पानी चालू हो गया आना, जैसे ही पानी चालू हो गया, ये पानी बहुत तेज से आ रहा है, इसमें एक स्पीड है, एक वेग है इसका, तो इसके लिए इसको आप क्या नाम दे दोगे, ये गति कर रहा है पानी,
एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दोगे, गतिज ऊर्जा। बताओ इतनी बात समझ में आई है। अब यहीं पे देख लेना आप कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है, ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा के दूसरे रूप में बदल गया। बदल गया कि नहीं बदल गया? ठीक है, बदल गया। और जैसे ही यहां पे पड़ा तो ये भी गति करने लगा, यहां पे भी गतिज ऊर्जा आ गई। ठीक है, अब ये सेफ्ट मूवमेंट होने लगी तो यहां पे भी गतिमान हो गया, एक तरीके से रोटेट करने लगा, तो कैसी एनर्जी हो गई, रोटेशनल एनर्जी हो गई, रोटेशनल ऊर्जा हो गई। ठीक है, मतलब एक तरीके की गतिज ऊर्जा ही है, हाँ बिल्कुल परेशान मत होना। तो यही जो गतिज ऊर्जा हो है, यही रोटेशनल, रोटेट करने लगा तो रोटेशनल एनर्जी हो गई, और यही रोटेशनल एनर्जी किस किस ऊर्जा में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। ठीक है, कैसी एनर्जी में बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। ठीक है, मतलब आपको यह समझ में आया होगा कि सर क्या है कि एनर्जी का एक रूप दूसरे रूप में ही बदल रहा है। ठीक है, ऊर्जा ऊपर से नहीं कूद रही है विद्युत बनाने के लिए। ठीक है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, तो जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को, ऐसी एनर्जी जो रोटेशनल या फिर गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक या ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, इनको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कैसी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। और उसी यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, इतना ही काम करता है जनरेटर। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के बाद ये ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह तार के थ्रू बहुत आराम से ट्रेवल की जा सकती है, बहुत दूरी तक ले जाया जा सकता है इसको। ठीक है, और इससे हम बहुत सारे काम करते हैं, बिजली के बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, है ना, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, बहुत सारा काम अपना डोमेस्टिक एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हर जगह काम में लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे लिए समझ लो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और ये बनती कैसे है, पानी से, तो इस तरह बनती है। अब मेन मुद्दा क्या था जनरेटर का बच्चों, जनरेटर की जो शाफ्ट थी ना, ये घूमनी चाहिए थी। ठीक है, इसको चाहे आप हाथ से घुमाओगे तब भी उधर एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रिकल, अब हाथ से घुमाओगे ताकत लगेगा आपको, कब तक घुमाओगे, तो उसके लिए कंटिन्यूअसली चलता रहे और आपका कुछ ना लगे, इसीलिए पानी को इसी के ऊपर गिराया जाता है और पानी नदी में लगातार बहता रहता है, तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे ऐसे कन्वर्ट होती रहती है। इसे ही बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, कैसा पावर प्लांट है ये, जो आपने ये पूरी गाथा समझ ली, जो पूरी कहानी समझ ली, ये कैसा पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, तो पानी से जो बिजली बनती है वो पावर प्लांट है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको थर्मल पावर प्लांट समझना है तो थर्मल पावर प्लांट में कोयला लगता है ईंधन। ठीक है, अब देखो थर्मल पावर प्लांट भी आपको मैं आज समझा देता हूं, उसमें कैसे एनर्जी बनती है। तो ये आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ भी आपको कभी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि हाँ इस सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि मैं जल्दी ही आपको उस चीज़ को समझा सकूँ। अब क्या हम समझते हैं थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है बच्चों, पहली चीज तो जनरेटर तो वही रहेगा और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, विद्युत ऊर्जा। अब इसको क्या चाहिए, इसको जो इनपुट चाहिए, ये इसका आउटपुट है, आउटपुट मतलब जो जो हमारे काम का जो ये देता है, जो ये लेता है इस चीज को करने के लिए, उसे ही बोलते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट, तो इनपुट में क्या चाहिए इसको, इसकी शाफ्ट घूमनी चाहिए, इसकी जो शाफ्ट है ये जो रॉड टाइप में है, ये इसकी शाफ्ट बार बार घुमानी चाहिए आपको। तो ये कैसे घुमाई जा सकती है, इसके साथ में एक टरबाइन लगा दिया जाए। ठीक है, टरबाइन में ब्लेड्स होती हैं, पंखुड़ी होती हैं, उस टरबाइन के शाफ्ट को और जनरेटर के शाफ्ट को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये टरबाइन की शाफ्ट मूव करेगी तो जनरेटर की शाफ्ट भी मूव करेगी और विद्युत ऊर्जा बन जाएगी, यही तो अभी समझा आपने। तो इस टरबाइन की जो शाफ्ट है इस पे अभी तक आपने पानी गिरा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब की बार हम क्या करते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे क्या करता है, वो हीट देता है। क्या देता है, हीट देता है, भाप, एक तरीके से उष्मा, एकदम हीट। ठीक है, जलती हुई भाप एक तरीके से आप समझ लो। ठीक है, स्टीम। ठीक है, स्टीम कैसे बनेगी, स्टीम बनने के लिए आपको क्या लगेगा, कोयला। तो कोयला जलाएंगे। ठीक है, कोयला जला के बहुत ज़्यादा बॉयलर में हीट करेंगे
और पानी उबालेंगे, ठीक है, और पानी के जो भाप होगी उसे स्टीम बोलते हैं। उस स्टीम को इस पे दोगे तब भी बहुत प्रेशर से आएगी स्टीम। स्टीम के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है, कि स्टीम से बहुत कुछ किया है जेम्स वाट ने, इंजन बनाया था, ठीक है। स्टीम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हेल्थ के लिए, नहीं है मशीनों के लिए, ठीक है। बॉयलर हर जगह, काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है, और बॉयलर में स्टीम ही होती। तो यही स्टीम का जो प्रेशर टाइप में स्टीम होती है वो इस पे दिया जाता है, ये रोटेट करता है। मतलब काम क्या है, इसको रोटेट कराना है। अगर यहीं पे न्यूक्लियर होता तब भी स्टीम देता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर ईंधन जलाते, ठीक है। और इसी टरबाइन पे, इसी जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं, इसी टरबाइन के ब्लेड, ठीक है, अगर हवा से मूव करें तब भी ये जनरेटर रोटेट करता है, जिसको आप कहते हो क्या पवन चक्की। तो ये पंखा टाइप में ऐसे लगा नहीं होता है ऊपर, ठीक है, पोल पे एक खंभे पे खड़ा किया रहता है, ये घूमता है, तो ये इसके नीचे जनरेटर सेट होता है, या फिर यहीं पे छोटा सा जनरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के देता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जनरेटर क्या है, ठीक है। तो जनरेटर आपको समझ में आ गया, डीसी क्या है ये भी समझ में आ गया। मीन्स डीसी जनरेटर ऐसी चीज़ है बच्चों जो विद्युत ऊर्जा जो दे आउटपुट में, वो कैसे नेचर की हो, वो एसी ना हो, वो कैसी हो, वो डीसी हो। तो देखते हैं डीसी जनरेटर क्या है, लिख देता हूं मैं बस एक चीज, ठीक है, डीसी जनरेटर, ठीक है। इसको क्या मिला, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा मिला। ये आउटपुट में क्या दिया, डीसी, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, जो विद्युत ऊर्जा दिया, ठीक है, डीसी ऊर्जा दिया, डीसी विद्युत ऊर्जा है, एसी नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जो डीसी जनरेटर होते हैं उनके टाइप्स मैं आपको आज बता देता हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं। पहली चीज तो टाइप्स बाद में ही पढ़ेंगे, पहले इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्ट्स इसके जो होते हैं, एक तो होता है स्टेटर, स्टेटर, और दूसरे दो पार्ट होते हैं, ये समझ लेना आप, ठीक है। फिर उन दोनों पार्ट के कई सारे पार्ट अंदर मतलब छोटे छोटे होते हैं। और दूसरा क्या होता है, रोटर, ठीक है, स्टेटर, और दूसरा क्या, रोटर। जो स्टेटर होता है वो स्थिर होता है, वो मूव नहीं करता है, स्थिर रहता है। और ये क्या करता है, रोटेट करता है, मतलब मूव करता है, घूमने वाला पार्ट होता है। तो रोटेटिंग पार्ट, कैसा पार्ट, रोटेटिंग पार्ट होता है। तो स्टेटर स्टैटिक पार्ट होता है, रोटर रोटेटिंग पार्ट करता है। मतलब ये समझ लो, जनरेटर में जो चीज़ घूमती नहीं है, जो रुकी रहती है, वो स्टेटर है, और जो चीज़ मूव करती है उसे रोटर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटर, रोटर और इनके प्रिंसिपल के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इन सारे पार्ट्स के बारे में किन किन चीज़ों के बने होते हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इनके जो टाइप्स हैं उनके टाइप्स का नाम बता देता हूँ, ये नाम आज याद कर लेना आप, ठीक है। अगली क्लास में उन पार्ट्स के नाम भी, उनके टाइप्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है, डीसी संट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। इतने टाइप्स के होते हैं ये जनरेटर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।